पहला चीज जो बोलता है कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। याद है हमने लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब उसका एक्सटेंट हमें पढ़ना है। सिंपल सी बात है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कर लेते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट्स, क्या ये सही है? ये पूरी तरह सही नहीं है। इनफैक्ट आपके बहुत सारे टीचर्स इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए भी, राइट? तो आपको डिटेल में एकदम लिखना और समझना पड़ेगा। 68 डिग्री 7 मिनट्स ये लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ये ईस्ट एकदम जो वेस्ट मोस्ट है ये उसका है लॉन्गिट्यूड है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। आप बोलोगे सर ये तो वेस्ट है तो आप यहां पे ईस्ट क्यों लिख रहे हो? भाई हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सो आर कंट्री फॉल्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज व्हाई वी राइट 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री। और मैंने आपको क्या बताया था, 30 डिग्री में कितना मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम नेचुरली अपने टाइम को सेट करें तो। यानी गुजरात में बैठा हुआ एक इंसान और अरुणाचल प्रदेश का में बैठा हुआ एक इंसान जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हैं, अगर वो नेचुरली अपने टाइम को सेट करें तो उनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। वो क्या होता है, उसका क्या उपयोगिता है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। बिल्कुल लैटिट्यूड की भी बात करेंगे, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स है और ये 37 डिग्री 6 मिनट्स। अगेन इट इज कंफ्यूजिंग, इट इज नॉट एक्यूरेट, सो यू हैव टू राइट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि वी आर नॉट बिलो इक्वेटर, नीदर इक्वेटर पासिस थ्रू अस। इक्वेटर हमारे बहुत नीचे से पास होता है और इक्वेटर जो है हम उसके ऊपर हैं, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। हम टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक हमारा जो एक्सटेंट है वो है। सो ये तो हमने बात करी मेनलैंड की। इसके अलावा अगर हम आइलैंड्स की बात कर देते हैं तो आइलैंड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार अगर ड्रॉ करना भूल जाएं तो आप अपने ही देश का कुछ हिस्सा दान में दे रहे हैं, जो कि नहीं दे सकते। तो ये अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। उसका अगर हम देखें कि उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है तो वह है 6 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ। तो हमें अगर कोई पूछे मेनलैंड का तो 8 डिग्री 4 मिनट्स, और अगर टोटल इंडिया की बात करें तो इससे फर्दर साउथ में जाना पड़ेगा और 6 डिग्री 7 मिनट्स रहेगा, और नॉर्थ पॉइंट तो ऑफकोर्स हमें पता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ हमारा पॉइंट है। सवाल ये है, कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है। इनफैक्ट ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ भी चुके हैं। इनफैक्ट KVC में भी एक बार पूछा था, मुझे याद है 2-3 साल पहले, कि जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा वो कौन सा है। तो लोग अक्सर जो है नागालैंड लगा देते हैं। नहीं, नागालैंड हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट नहीं है, हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में भी एक विजयनगर नाम का जगह है, उसके ईस्ट में एक पास है जिस पास का नाम है चौखन पास। ये है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे है। इसी तरीके से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट ये गुजरात में पड़ता है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, गुहार मोटी गांव है और कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल करता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो यहां पर है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड का पार्ट है एक, जो 2003 के जो सुनामी आया था उसमें वो सबमर्ज हो गया था, अब वापस से वो है हमारे पास। इसके अलावा इंदिरा कोल ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर काराकोरम पॉइंट पे है, वहां पर ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। इस तरीके से हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर कर ली। नेक्स्ट।